हाँ तो भाई हम पढ़ रहे सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम में सर्वनाम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या पढ़ो, सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द कौन कौन से, 11, कौन कौन से हैं 11, मैं तुम आप वह यह जो सो कोई कुछ क्या कौन। ठीक है, ये 11 शब्द हैं, ये 11 शब्द सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने, छह, छह वेदन में ये 11 शब्द बटे हुए हैं। कैसे, मैं तुम आप कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, वह यह यहां तक है क्योंकि अन्य पुरुष में वह यह आएंगे, ठीक है ना। वाक्य बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में भी वह और यह है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ, अनिश्चयवाचक कोई कुछ। वाक्य बाद क्या कौन, प्रश्नवाचक। वाक्य बाद जो सो, संबंधवाचक। कितने है गे, पांच। एक बचो निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम को अलग से कोई शब्द ना है, या में जो वक्ता है या जो लिखने वाला है वो खुद का जो प्रयोग करे, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप या आप ही, ये शब्द आएंगे काय में, निजवाचक में। तो हमने कितने सर्वनाम पढ़ लिए, छह नहीं, तुमने कल कितने लिख लिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ो कल, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम यही परिभाषा लिखाई तुम का, वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होंगे वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के, तीन। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य। तीन प्रकार के, उत्तम में कौन कौन आएंगे, यानी वक्ता की बात करेंगे, वक्ता या बोलने वाला या लिखने वाला उत्तम पुरुष कहलावेगा ना, मैं, मुझे, मैं, मुझे, हम, हमारा, हमारे लिए, ये सब काय में आएंगे, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष तुम और आप, यहां में अन्य शब्द कौन कौन से आएंगे, तुम, तू, तुझे, तेरा, ये शब्द काय में आएंगे, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में वह और यह, या के अलावा ये, वे, ठीक है, उनका, उनकी, उनके, इन्हें, उन्हें, ठीक है, ये शब्द आएंगे अन्य पुरुष में। दूसरा कौन सा पढ़ो, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द कौन कौन से हैं, यह और यह का जी, ये, वह का जी, वे। और ध्यान रखिए जो यह शब्द है यह निकटवर्ती, निकटवर्ती या समीपवर्ती, और वह दूरवर्ती का जे। ठीक है, मैंने एक चीज बताई तुम का जे, निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं यह और वह दोनों समान है। अंतर कायल में, अंतर का है,
नहीं, हमें कैसे पता चलेगी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? हाँ देखो, यहाँ पे जब हम अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं तो पुरुष की बात होंगी, ठीक है, यानी सजीव वस्तु की, और जब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निर्जीव की बात होंगी और वस्तु या घटना की बात होगी, ठीक है। तीसरा कौन सा पढ़ो? तो लिखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखो, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? कोई, कुछ। उदाहरण लिखो या को, शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है, शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो यहां पर जो कोई शब्द है, इकाई को संकेत दे रहा हूं अनिश्चितता को, अब खड़ो है कि नहीं खड़ो ठीक पतो ना है, है ना, मतलब निश्चित ना है। अगर हम शायद हटा देंगे तो खड़ो भी है सके, ठीक है। अगर हम यही वाक्य ऐसे बोलें कि दरवाजे पर कोई खड़ा है क्या, दरवाजे पर कोई खड़ा है क्या, तो यहां पर अनिश्चितता ना है, क्योंकि यहां पर प्रश्न है। वो फिर शायद कोई आ रहा है, हाँ देखो हमने वाक्य लिखो कोई आ रहा है, तो ये वाक्य ऐसे बनेगा क्या कोई आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ही प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा, है ना, यहां पर ही प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखो, दूध में कुछ गिर पड़ा है, दूध में कुछ गिर पड़ा है, एक बात को लिख लो, तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा। अब निश्चित ना है कि क्या खाना, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, ठीक है। निजवाचक
निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा लिखो, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। ऐसे नहीं, जैसे रमेश स्वयं चला जाएगा, मोहन अपने आप लिख लेगा, ठीक है, तुम अपना गृह कार्य खुद करो, ठीक है, तो जो वक्ता है या फिर लिखने वाला वो अपने कार्य प्रयोग में करेगा, ठीक है। या मैं ध्यान रखी हूं अलग से कोई शब्द ना आया क्या कि शब्द क्यों, कौन कौन से शब्द हैं हमें, जैसे स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद ही, हाँ, मैं, आप ही, या फिर अपने आप ही चला जाऊंगा। मोहन स्वयं आ जाएगा। दीपक अपना गृह कार्य खुद ही करेगा। ठीक है, ध्यान रखियो। अब यहां पर वाक्य दे दियो या मैं अंडरलाइन कर दी जाए कि निम्न में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, तो इन शब्दों में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। लिख लिए, यहां के बाद लिखो संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो उपवाक्य मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य दे जुड़ो मिलेगो, ठीक है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, यद्यपि तुम पढ़ोगे तथापि पास हो जाओगे या उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है ना। तो संबंधवाचक में क्या है, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य दे जुड़ो मिलेगो, है ना। लिखो आई परिभाषा, या हम शब्द कौन कौन से आएंगे, जो और सो, मुख्यतः तो ये याते अलग, जैसे वैसा या यद्यपि तथापि, है ना, ये भी यही में आएंगे। देखो परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक उपवाक्य जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य से प्रकट किया जाता है प्रकट किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे? जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसकी, जैसे। उदाहरण लिखो आगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी जो जागेगा सो पुरानी कहावत है जो जागे सो पावे जो सोवे सो खोवे। वास्तव में ही सत्य बात है। पुरानी जो उक्ति है या किंवदंती है जिन्हें हम लोकोक्ति बोले वे एकदम 100% सही हैं और हर टाइम पे लागू हों। ठीक है, समझ के कह देंगे संबंधवाचक सर्वनाम। या के बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु या घटना वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न का बोध होता है वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुख्यतः कौन कौन से शब्द हैं? क्या और कौन? या के अलावा किसी या किसको या किसने, ये शब्द भी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। किसने, किसको, किसकी, यही में आएंगे, ध्यान रखिए ना। उदाहरण, बाहर कौन आया है? बाहर कौन आया है? यहां पे अनिश्चय के प्रश्न है, प्रश्नवाचक है ना। तो अयोध्या चल रहा हो ना, जयपुर है तो भूल जाओ। अयोध्या कौन जाएगा?
हमें मौको मिल रहा हो पर हम जा ना पा रहे। और आनो फ्री और जानो फ्री, आनो फ्री जानो फ्री और खानो फ्री है। हाँ और 4 दिन वहां जाएंगे, 4 दिन को वहां ट्रिप है। नहीं एक पड़ोसी है, बाकी गाड़ी जा रही है तो हम एक सीट खाली है तो हैं। नहीं एला हुआ है, एला हुआ का है। और वहाँ पे प्रोग्राम है, और जो लेके जा रहा है वो बड़ी पार्टी है, जो अयोध्या में मंदिर बनो ना वहाँ में नजीक से दर्शन कर सकें, इतनी अथॉरिटी और मिलेगी। पर यहाँ पर लग रही है यूँ ही ना जा पा रहे, यूँ ही ना जा पा रहे। एक तो 4 दिन तुम्हारी क्लास बंद रहेगी और दूसरों 4 दिन मेरे घर को कम बंद रहेगा ये बात है। ठीक है तो ये लिख लियो। तो यहाँ पे तुम्हारे सर्वनाम है गे खत्म। कितने सर्वनाम है? सर्वनाम कहे गए थे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यही की वजह त्याग शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। मतलब जो भी नाम है, नाम कहे थे कि संज्ञा थे, तो जो भी नाम है उन सब नामन की जगह पे प्रयुक्त का होंगे सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द कौन कौन से? मैं तुम आप वह यह जो सो कोई कुछ, मुख्यतः तो ये हैं, ठीक है ना। बाकी अलावा और भी हैं, जैसे मैं के संग मेरा, मुझे मेरे लिए, हम के संग हमारा हमारे, ठीक है ना। तो सर्वनाम है गे 6। या के बाद हम पढ़ेंगे कहा विशेषण, ठीक है। विशेषण कहते के विशेषता बतलाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो विशेषता बतलाते हैं। काय की विशेषता बतलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बतलाने वाले शब्द, लिखनो तुम्हें कुछ भी ना है, कॉपी कर दो बंद, लिखांगो मैं कल, ठीक है। अब सिर्फ समझना है तुम्हें कि विशेषण है का चीज है, बाकी बात कल तुम्हें लिखना है ना। तो विशेषण विशेषता बतलाने वाले शब्द। अब विशेषता काय की बतलाई जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो परिभाषा क्या बन जाएगी आपकी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण कहे देखे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को।
परिभाषा पता चल गई तुम्हें, ठीक है। विशेषण में तीन चीज मुख्यतः पाई जाए, कौन कौन सी, कौन कौन सी ना बताओ? प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य, इन तीन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए विशेषण पढ़ने से पहले, ठीक है। जैसे मैं कहूं कम ठंडा पानी, बस वो तो वाक्य पीछे रह जाएगा, ये मेन चीज है, ठीक है। अधिक गर्म दूध, ठीक है। अत्यधिक काला कपड़ा, वस्त्र कपड़ा बात एक ही है, ठीक है। मैंने तीन वाक्य लिखे, अब इन तीन वाक्यों में कौन सो शब्द प्रे विशेषण है, कौन सो विशेषण है और कौन सो विशेष्य, इन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो प्रे विशेषण कायते के, विशेषण कायते के और विशेष्य कायते के, बिन्ने जानवे थे पहले हमें इनकी परिभाषा आनी चाहिए, है ना। तो प्रे विशेषण, प्रे यानी पहले, जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होता है, या फिर विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रे विशेषण कहते हैं। विशेषण का देखें, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले तो है विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताता है प्रे विशेषण। तो फिर विशेष से कहा है, जिनकी बोलो बोलो, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रे विशेषण, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण, विशेष से कहा वो फिर नहीं, जो संज्ञा या सर्वनाम है ना वे विशेष ही है भाई, इनकी तो विशेषता बतलाई जाएगी। तो जो जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या चीज है, विशेष्य, यही को नाम है संज्ञा। अब देखो यहां पे कम अधिक और अत्यधिक, कम अधिक और अत्यधिक, ये काय की विशेषता बता रहे हैं। पानी कैसा है, पानी कम ठंडा है, कम ठंडा कितनों, कम तो ठंडा कितनों, कम ठंडे की विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पे कम क्या है, प्रे विशेषण। गरम कितनों गरम, अधिक गरम, तो गरम भी क्या है, प्रे विशेषण। अत्यधिक काला कितनों काला, अत्यधिक, तो अत्यधिक भी क्या आ जाएगा, प्रे विशेषण। समझ गए, हाँ ये गरम गलत लग गो, ये गरम गलत लग गो, तो यहां पे आ भाई अधिक है ना। अब यहां पे देखो विशेषता बतलाई कौन की जा रही है, पानी की, दूध की और कपड़ा की, ये का चीज है, एक संज्ञा शब्द आते हैं कि ना है, है ना। तो संज्ञा शब्द काय में आएंगे, विशेष्य में, पानी दूध और कपड़ा, यही की वजह से तुम का संज्ञा बताई पहले, ठीक है। तो इनकी विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं, पानी दूध और कपड़ा की विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं, ठंडा गरम और काला, तो ये शब्द क्या आ जाएंगे, विशेषण। आई ने कहा समझ में, प्रे विशेषण, विशेषण और विशेष्य,
विशेषण संज्ञा है सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वे कौन से शब्द हैं? विशेष्य। विशेष्य कोई दूसरा नाम का है संज्ञा शब्द, ठीक है। या के बाद देखो विशेषण, विशेषण दो प्रकार के हैं। विशेषण के भेद तो चार हैं, पर विशेषण दो प्रकार के प्रयुक्त तो हैं, है ना। कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और दूसरो विधेय विशेषण। ठीक है, विशेषण के प्रकार से प्रयुक्त हुए दो प्रकार थे, कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब ये दो क्या चीजें? देखो मैं उदाहरण लिखूं यहां पे ना, ईमानदार व्यक्ति, ठीक है, और एक उदाहरण लिखूं मैं, वह लड़का ईमानदार है, इन दो वाक्यों में अंतर दिख रहा होगा जी? दिख रहा होगा जी? क्या दिख रहा है? यहां पे संज्ञा शब्द कौन सा है बताओ पहले, व्यक्ति ये क्या है? संज्ञा मतलब विशेष्य, तो व्यक्ति की विशेषता ईमानदार, तो ये क्या है? विशेषण। तो संज्ञा से पहले जब विशेषण प्रयुक्त हो या विशेष्य से पहले विशेषण प्रयुक्त हो तो वहां पर तो क्या है? उद्देश्य विशेषण। और यहां पे संज्ञा क्या है? तो जो संज्ञा है वही विशेष्य, और ये ईमानदार क्या है? विशेषण। तो जहां संज्ञा के बाद विशेषण प्रयुक्त हो वहां कौन सा है? विधेय विशेषण। आई समझ में? जैसे ठंडा पानी या फिर पानी ठंडा है, अब बताओ यहां पे उद्देश्य विशेषण कौन सा और विधेय विशेषण कौन सा है? ये तो विशेष्य विशेषण है, विशेष्य विशेषण। पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, सही बता रहेगा ना? ध्यान से देखो एक बार तुम, मैंने कही कि संज्ञा से पहले अगर विशेषण प्रयुक्त है रो है तो वहां पे कौन सा? उद्देश्य विशेषण। संज्ञा से पहले यहां पे संज्ञा क्या है? पानी, और ठंडा का है, तो कौन सा विशेषण हो गई? तो विशेष्य क्यों बोल रहे हैं फिर? उद्देश्य विशेषण। और यहां पे अच्छा उद्देश्य और विधेय का ही देखें, ये तो रही विशेषण की बात, ये उद्देश्य और विधेय ये आवे वाक्य में। हाँ, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य तो आवे कर्ता प्लस कर्ता का
विस्तारक, वाक्य के अलावा क्रिया कर्म सब काय में विधेय में। विशेषण के भेद कितने? विशेषण के भेद चार। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणाम के परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण और चौथा या को दूसरा नाम का है सार्वनामिक, नहीं सार्वनामिक। अच्छा सार्वनामिक, जो सार्वनामिक नाम है, इस सार्वनामिक कैसे बनो पता है? सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय जोड़ने के बाद सार्वनामिक, ठीक है। कितने भेद? चार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ना कि परिणामवाचक, ठीक है। या में तो किसी व्यक्ति के गुण और दोष, दशा, अवस्था, ये सब आएंगे, आकार है ना, ये सब काय में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। संख्यावाचक में संख्या की विशेषता बतलाई जाएगी, संज्ञा की जो संख्या संबंधी विशेषताएं वे काय में आएंगी? संख्यावाचक में। और संख्या और परिमाण या हम ध्यान रखियो, या में तो गिनने योग्य और या में जिन्हें हम गिन ना सकें, जैसे एक लीटर दूध, पानी, ठीक है। और या में तो गणनावाचक या में अगणनीय, और संकेतवाचक या सार्वनामिक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग विशेषण के स्थान पर होता है, बिना कहेंगे हम सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे यह पंखा है, मैंने लिखा है ना कल तुम का जी, तो यहां पर जो यह शब्द है विशेषता बता रहा हूं ना, यह पंखा है, ठीक है। या फिर संकेत दे रहे हम यह पंखा है, तो ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। विशेषण पढ़ेंगे कल।